मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी छात्रों की कक्षाओं का संचालन एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सेवायोजन अधिकारी मिथिलेश कुमार ने इतिहास विषय पर प्रकाश डाला तथा अभ्यर्थियों को देश के इतिहास के बारे में जानकारी दी। वहीं जिले के अधिकारी नितिन ने एग्रीकल्चर के बारे में अभ्यर्थियों को जागरूक किया तथा सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने क्लास के स्ट्रक्चर के बारे में अभ्यर्थियों को बताया कि 18 तारीख से क्लास विकास भवन के मनरेगा सभागार में 8 से 9 तथा 9 से 10 बजे तथा शाम को 4:30 बजे सीरियस की क्लास चलेगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सेवायोजन अधिकारी मिथिलेश कुमार सहित भारी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रतियोगी छात्र और छात्राओं व अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी तथा सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, मेरा फोन अगर आप देखोगे तो रोज मेरा अलग जी का सबका 300-400 कॉल आ जाती है रोज कि सर ये कैसे हो रहा है, कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, मैं जॉब कर रहा हूँ, एन नंबर ऑफ डाउट्स आर देयर। सो लेट अस क्लोज दिस डाउट्स टुडे वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। सेकंड, स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी टीम का थैंक्स करूंगा जिसमें सारे पिछले 19 जनवरी से कल आपके में से किसी ने मुझे डेट दिलाई थी आपके लाइफ में कि सर आपने 19 जनवरी को स्टार्ट किया था ये, तो आज से 1 महीना आपको सोने वाला है। इतनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं रात के 11 बजे तक बैठ के, तो ये टीम बहुत मेहनती है और ये सब सेल्फ मोड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपके जितने क्वेश्चन इंटरेक्शन है आपको मिलेंगे। आप एक चीज समझ लीजिए, जब आप यहाँ बैठे होते हैं, जैसे जितने आपने कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं कर रही है, ज्वाइंट मिनिस्टर अमित मलिक से पूछा, मैं उनके आंसर से बिल्कुल वो हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब आपका प्री और ये क्वालिफाई होगा तब तैयारी करेंगे। लेकिन मैं उसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ कोई लेक्चर डिलीवर करने आ रहा है, पता नहीं आपको कौन सा हिंट कहाँ काम होगा, कौन सा हिंट आपको किस स्टेज ऑफ में हेल्प कर रहा है, एक एक वर्ड यहाँ से जो दिया जा रहा है आपको कहाँ हेल्प कर दे। आज जैसे मैं जैसे आया मेरे साथ मिथिलेश ने क्वेश्चन पूछा इतिहास क्या है, बहुत अच्छे आंसर आए 2-3 लोगों ने दिए, क्या पता इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होगा। और आज का इंटरव्यू का क्वेश्चन अगले 2 साल तक रिफाइन होता जाएगा। व्हाट इज हिस्ट्री आपसे पूछा जा सकता है अगर आपका हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है क्या, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब भी ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर उस क्वेश्चन पे 2 साल का आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी आत्मा में वो जहन में चल रहा है, तो बताओ उस डी डे पे आपको कितना अच्छा आंसर आया। तो ये जो एक एक चीज यहाँ बताई जा रही है आपको कब कहाँ काम आएगी कुछ नहीं पता, तो इसलिए बी अटेंटिव, कीप रिकॉर्डिंग द थिंग्स, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। जैसे कल अनुज ने कहा, अगर आपकी रिवीजन 20 टाइम हो गई तो जो डी डे होगा उसे घबराहट नहीं होगी। ब्यूटीफुल पोएम। और आज का मेरा लेक्चर होगा 2 भागों में, थोड़ा सा आपको आपके क्वेश्चंस जो मैं सुनता रहता हूँ और मेरे तो थॉट प्रोसेस से जाते नहीं है तो मैं उसको सोचता रहता हूँ, लेक्चर का कोई चक्कर नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि कुछ लैंग्वेज का मतलब ही नहीं है, पता नहीं किसने हमें पढ़ा दिया कि लैंग्वेज के कारण हम लोग पीछे हो गए। वो मैडम बनी सुनी थे आप लोगों ने, कितने बच्चों ने आज ज्वाइन किया है बताओ, हाथ खड़े हो, कंसिडरेबल नंबर है। तो उसकी स्टोरी रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसीलिए हम लोग रिपीटेशन भी बहुत करेंगे ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन धीरे धीरे समझ आएगा, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है क्यों है, उसका एक कारण है उनकी ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग इतनी बार बार रिपीट करते हैं, इसमें आपका भी आंसर है। जब आप इंटर करोगे जो उनका तरीका सल्यूट करने का वो एकदम डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ में वो पार्ट ऑफ उनकी जीन्स तक घुसा दिया भी ऐसे सल्यूट का, इतना रिपीट किया गया। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी आपको एक ही चीज इंडिकेट करती है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, इंडियन आर्मी का क्या काम है, ट्रेनिंग अच्छी है तो रेपिटेशन, इसलिए हम भी रिपीट करें, जितना रिपीट करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही याद होगा, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे किसी कोई बंदा उसमें पूछ सकता है। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर होगा, ये आपकी स्टडी में भी पार्ट रहेगा, घर पे भी ये चीज आप अपनाओगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ इससे, सेकंड मैं आपको करूंगा कि हमारा कोर्स किस तरह से चलेगा, क्योंकि अभी मैं आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ डिफेक्टो, बाद में मुझे ये हैंड ओवर करना है किसी प्रोफेशनल को, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि किसी प्रोफेसर को भी हायर करें, तो मुझे कोर्स कोऑर्डिनेटर नोडल की जिम्मेवारी दी गई है। सीडीओ गोरखपुर, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं 2016 बैच का IAS ऑफिसर हूँ
और इससे पहले मैंने प्रोविडेंट फंड में भी जॉब की है, 4 साल मैसूर में पोस्टेड था, 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने वहाँ देखे हैं, PF एक एग्जाम मैंने वो क्लियर किया है, और इस सर्विस से आने पहले कम से कम मैंने 15-20 एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, और मैं 4 नौकरियाँ कर चुका हूँ सरकारी सारी रुपये की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी निकल जाती है, कोई समस्या नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक लाइन, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हाथ खड़े करो, ये किस ऑथर की बोलना नहीं ना, हाथ खड़े करने को बोला, जितना बोला उतने का ठीक है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए, लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत सिंपल इंग्लिश रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए हमारे पास क्यों मैंने इसको चूज किया, ये मैंने क्यों चूज की, भगवत गीता जो हिंदी में क्या हुआ 2014 के एथिक्स पेपर में, ये चीजें मैं उससे लिंक करूंगा, वो क्वेश्चन था 2014 के एथिक्स के जीएस के पेपर में, चौथे पेपर में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉय, JOY, ठीक है, समझ आया सर? अब बताओ इसका क्या आंसर है, कहां से कोचिंग चाहिए इसके लिए? पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। अब सीडीएस के एसएससी सब तरह के बच्चे मेंस के लिए, अब फंडामेंटल ड्यूटी आप सोच लीजिए कि मुझे आज क्या करना है, तो पहले आप करोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि ये किस आर्टिकल में है, आप बता दो कि सर आर्टिकल 51A में, फिर आप बताओ ऑब्जेक्टिवली याद करनी चाहिए, फिर आएगा इसी एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आएगा कि ये किस अमेंडमेंट से आया था, सर 42 से आया था, अगर और इच्छुक हो तो 42 को और डिटेल में चले जाओगे कि ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया था, 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ये आपको क्लियर हो जाएगा, तैयारी देखिए कैसे कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की, फिर आप आगे बढ़ोगे, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी लगाई गई थी, तो आप बोलोगे सर 10 लगाई गई थी, फिर आप बोलोगे नहीं अभी तो 11 है, तो 11 कब आई थी, तो आप बोलोगे 86 अमेंडमेंट से आई है, वहां 76 था, 86 था, 10 साल बाद क्या जरूरत पड़ गई कि 86 अमेंडमेंट डालना पड़ा, आप देखोगे वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो देखोगे कि 86 के बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी आ गई थी। अब एक चीज और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी, पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप बोलोगे पार्ट 4, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पार्लियामेंट कौन सी थी, कौन सा सेशन था, लोकसभा कौन सी थी, तो इस तरह से एक टॉपिक को पकड़ के आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-20 तैयार कर लिए। अभी एनसीईआरटी से कर लो, लक्ष्मीकांत से कर लो, कहीं से भी कर लो, मर्जी आपकी, लेकिन आपने उसी समय उसको 10-20 क्वेश्चन आगे बढ़ते रहे, ऑब्जेक्टिव है, अब रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चीजें तभी याद रहती है जब आपकी जो है रिवीजन एकदम सही है। आई होप आपको क्लियर होगा जो मैं कह रहा हूं, yes. कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है? तो अब लेकिन मैं इसके आगे बढ़ूंगा, अब जब फंडामेंटल ड्यूटीज को हम आगे देखते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहना क्या चाह रहे हैं, अब इसको अगर आप सोचिए कि मुझे ऐसे में लेके जाना है, फंडामेंटल ड्यूटी को गौर से देखना, मैं 2-3 ड्यूटीज आपको मैं पढ़ के बताता हूं कि किस तरह से इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं, किस तरह से एथिक्स का ये पार्ट है, और किस तरह से ये हमारे उसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, ओवरऑल इंडिविजुअल की डेवलपमेंट का। फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए रखी गई, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। अगर हम पहला दें, पहला क्या है, पहली फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप देखोगे कि हमें भारतीय संविधान को फॉलो करना है, भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ी बुक है, इसमें ना कोई बायस है, सबका ख्याल किया गया नहीं किया गया, अगर आप संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ते हो 3-4 महीने में, तो आधी ऐसे की चीजें उसमें है, आधे आपके एथिक्स के आंसर उसमें है, कहीं ना कहीं यूज करो उसमें, आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो अगर उसको बहुत बारीकी से पढ़ते हो। फंडामेंटल की एग्जाम्पल लेके बताओ, पहला था कि संविधान की आप रिस्पेक्ट करोगे एज ए सिटीजन, दूसरा जो हमारे नेशनल फ्लैग्स है, नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये अपने अंदर इम्बाइब करिए, ऑफिशियलाइज क्वालिटी का भी पार्ट है कि रूल्स को फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑफिशियलाइज क्वालिटी की बात कर रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी ड्यूटी क्या है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जब पढ़ो, उसमें किस आइडियल्स के साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने
उस स्ट्रगल को लड़ा है, जिया है, वो आइडियल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट है। उन्हीं लोगों को ढूंढा जा रहा है जो इन आइडियल्स को लेके सर्विसेज में आएंगे और देश को आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक आंसर्स है आपके। हिस्ट्री को पढ़ना है, उन आइडियल्स को फील तो करिए एटलीस्ट कि भी क्या था कि वो जाके फांसी पे झूल गए। अब चौरी चौरा घंटा ले बंधु सिंह जी ले लेंगे, इतना आसान नहीं होता कम उम्र में जाके फांसी पे चढ़ जाता, सारा परिवार छोड़ गया। वो बंदे की क्या पर्सनैलिटी होगी, उसको फील तो करके देखिए। एक मूवी आई थी जिसमें वो सारा, कौन सी मूवी थी बताइए आप, आमिर खान की थी, रंग दे, उसमें यही तो कर रहे थे वो। तो अच्छी मूवीज वॉच करना भी पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। ये नहीं कि सारा दिन बैठ के तांडव सीरीज देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, बट एनीथिंग विच इंस्पायर यू वो जरूर जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कल क्वेश्चन पूछा था इसे बीच बीच में मोटिवेशन टूट जाता है, पूछा था कि नहीं पूछा था, 10 दिन बाद हम लोग फिर नीचे आ रहे हैं। उसका एक आंसर ये है कि अगर कोई चीज आपको इंस्पायर करती है, अगर कोई मोटिवेशनल मूवी इंस्पायर करती है तो आप जरूर देखिए। क्या बात है, कारगिल की कोई मूवी आपको इंस्पायर करती है देखिए, 10 बार देखिए। भारतीय स्थिति जी एम प्लीज रिस्पेक्ट करता हूँ सभी, कोई गलत नहीं लेना, वो जो है उसकी कारण नहीं कर पाए। ये जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हमारे आसपास की स्थितियां हैं, तीन चीजों को जन्म देती है, एक डेस्परेशन को, दूसरा डाउट्स को। श्वेता त्रिपाठी, आज हमें इतिहास और इकोनॉमिक्स के बेसिक जानकारी दी गई है कि कैसे उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। क्लास किस तरह का चल रहा है? क्लास बहुत अच्छा है, जो हम लोग महंगे कोचिंग में जाके सीखते थे आज हमें बिना पैसे दिए हुए हम लोग सीख रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है आप आज? आज हमें टीचर का नाम तो मुझे नहीं याद है। सीडीओ साहब पढ़ा रहे थे? वो हमें केवल ऐसे ही ओवरव्यू दे रहे थे। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? UPSC उपमा पांडे। अच्छा था, बहुत अच्छा क्लास था आज का। सर ने आज इकोनॉमिक्स का पढ़ाया, क्लास लिया है और सिलेबस बताया गया, और कल की क्लास कहाँ रहेगी। हिस्ट्री को भी पढ़ाया गया है। कौन क्लास ले रहा था? नितिन सर लिए हैं और HDU सर लिए हैं और एक सर और आए हुए थे। कैसा रहा आपका क्लास? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा क्लास था। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? UPSC। सर आज वो क्लास बहुत अच्छा था, सिलेबस हम लोग को पूरा शेयर किया, हमें एक एक चीज़ बता दी कि कैसे क्या, कैसे क्लास चलाएंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, कहाँ रहेगा, सारी चीज़ के बारे में आज इंफॉर्मेशन दी गई। आज किस चीज़ की क्लास दी गई है? आज सर क्लास तो नहीं दी गई है, बट हमें उनका जो है सिलेबस प्रिपेयर किया गया, सारा आइडेंटिफाई किया गया सिलेबस कैसे है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे मेंस में क्वेश्चन आएंगे, ये सब बताया गया। प्रिया कश्यप, क्योंकि आज हम लोग को ये समझाया गया कि क्लासेस कैसे चलेंगी, कैसे क्या क्या होंगे, मतलब आगे के सारे सिलेबस वगैरह डिस्कस किया गया है कि कौन क्या क्लास पढ़ाएगा, कौन क्या करेगा, कैसे कैसे सब कुछ होगा। आज इकोनॉमिक्स की क्लास चली है और हिस्ट्री का थोड़ा सा मतलब बताया गया है पूरा प्रो कैसा है, और CDO सर बताए हैं कि क्लासेस कैसे चलेंगी, कैसे नहीं चलेंगी। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत इफेक्टिव क्लास था। पृथ्वी सिंह, क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास था, कल के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी और टाइमिंग क्या है, टाइम शेड्यूल उसके बारे में बताया गया। सर आज हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, एक ओवरव्यू दिया गया है जिसके बारे में कि क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है और सर जो हैं वो क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। कैसा रहा सर? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हमारे जो जितने भी अधिकारी गण हैं और उनसे मेंटरशिप हमें मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, हमसे हम लोगों को लाभ होगा इससे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर? UPSC। मैं दीक्षा पांडे और बहुत अच्छा आज का क्लास रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छे समझाया उन लोगों ने किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, मैं भी UPSC की तैयारी करने की तैयारी। आज का क्लास कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा क्लास, बहुत अच्छे से वो लोग सबको समझाए किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे शुरुआत करनी है और किस लेवल पे पहुंचाना है अपने आप को, बहुत अच्छा रहा। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? UPSC। आज जो है लगभग 300 बच्चे आए हुए हैं हमारे NXE भवन में, और इकोनॉमिक्स वाला
जो है आज खासकर सभी बच्चों को आईएएस पीसीएस के लिए इकोनॉमिक्स का हिस्सा की जानकारी देना चाहिए, तो वो दी जा रही है। इसके अलावा उनको एथिक्स के बारे में हमारे सी डी ओ साहब भी बता रहे हैं और हम बेहतर तरीके से उसकी एक आउटलाइन हम लोगों ने बनाना शुरू कर दी है और भविष्य में बच्चों के हित में बहुत अच्छे तरीके से जो है प्लानिंग करके उनको हम यहाँ से कई सारे आईएएस पीसीएस बनाएंगे, यही हम लोगों की इच्छा भी है और इरादा भी है। सर क्लास में किस चीज़ों की जानकारी? आज जो क्लास हुई है जनरल स्टडीज़ में, मिथिलेश ने आज जो हमारे सेवा योजन के अधिकारी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है गोरखपुर के, हिस्ट्री की क्लास ली है। नितिन ने इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर की क्लास ली है और मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर के तहत मेरे द्वारा आज पूरा स्ट्रक्चर समझाया गया है। स्ट्रक्चर में बताया गया कि रोज़ सुबह 7 बजे विकास भवन का जो मनरेगा सभागार है वहाँ क्लासेज होगी 3 बैचेज में, तो पहला बैच 7 से 8 है, दूसरा 8 से 9 है, 8 से 9 फिर 9 से 10, और इवनिंग क्लास का भी हमने एक दिया है जो CDS की होगी 4:30 बजे इवनिंग में डेली, और बाकी जो होगी आगे और स्ट्रक्चर एक्सपेंड होगा जो शेयर किया जाएगा, जो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनके तरह उनको कन्वे कर दिया जाएगा।